चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री। गाइस, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि डिग्री है उस डिग्री का फॉर्मेशन। अब डिग्री में दो फॉर्मेशन होते हैं, एक वर्ड फॉर्मेशन होता है और एक सेंटेंस फॉर्मेशन। अब जो सेंटेंस फॉर्मेशन है अब हम करने वाले हैं, और इसके पहले वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन देख चुके हैं। तो गाइस, वर्ड फॉर्मेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या अंतर है और क्या कॉम्बिनेशन है? तो गाइस, वर्ड फॉर्मेशन के बिना सेंटेंस फॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल है। या फिर ये कहते हैं कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो वर्ड फॉर्मेशन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। तो गाइस, आज हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना, और इन डिग्री। गाइस, सेंटेंस फॉर्मेशन इन डिग्री, अब हम जो डिग्री पढ़ने जा रहे हैं गाइस, आज हम एक डिग्री एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक मैं आपको लेकर चलूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको Type 1, Type 2 और Type 3 तीनों को कवर करेंगे। चलो देखिए गाइस, सबसे पहले हमारी आती है फर्स्ट टाइप, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट में गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि टाइप कितनी टाइप होती है ना, तीन टाइप होती है डिग्री। तो गाइस देखिए, आप यहां पर गाइस, जब किसी एक नाउन की तुलना, ध्यान रखना गाइस, टाइप वन क्या होती है, जब किसी एक नाउन की तुलना किसी दूसरी एक ही नाउन से की जाती है तो उसे टाइप वन माना जाता है। ठीक है, टाइप कितनी होती है डिग्री में? तीन टाइप होती है ना, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। अब फर्स्ट जो टाइप होती है हमारी, वो होती है कि यदि एक नाउन की तुलना किसी दूसरी एक ही नाउन से की जाती है तो उसे टाइप वन माना जाता है। क्या करेंगे, एक नाउन की तुलना किसी दूसरी एक ही नाउन से करेंगे तो उसे टाइप वन माना जाएगा, ध्यान रखना। और यहां जो डिग्री है वो क्या होती है, ये डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बनती है और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बनती है ना। जो टाइप वन होती है उसमें सिर्फ हम दो डिग्री का ही यूज करते हैं। कैसे कि टाइप वन में क्या करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, है ना। टाइप वन में सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, है ना। अब टाइप वन में सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं होती है, तो गाइस मैं आपको बता भी देता हूं कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। तो गाइस, इसमें यदि दो व्यक्ति के बीच में, है ना, हम किसी भी व्यक्ति को अच्छा बता सकते हैं पर बेस्ट नहीं बता सकते, है ना। बेस्ट किसको बता सकते हैं, यदि सारे जितने भी लोग हैं उनसे बेहतर व्यक्ति है वो, है ना, तो उसको बेस्ट बता सकते हैं। तो यहां तो सिर्फ दो ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो दो व्यक्ति के बारे में कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। तो देख लेते हैं, चलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पीडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब पीडी का मतलब होता है गाइस पॉजिटिव डिग्री। तो इसमें गाइस सबसे पहले आएगा हमारा नाउन फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना, प्लस नॉट प्लस एज पीडी एज प्लस नाउन टू। गाइस ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री का है। यदि हम ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में चलते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नाउन वन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस। गाइस जो पॉजिटिव डिग्री में एस पीडी एस लगता है ये यहां से हट जाएगा, यहां पे कौन सी डिग्री आ जाएगी, सीडी कंपैरेटिव डिग्री, प्लस यहां आ जाएगा देन और प्लस नाउन टू। ये स्ट्रक्चर गाइस पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। तो नाउन फर्स्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर एज आएगा। मतलब जो पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड आएगा, वर्ड फॉर्मेशन का जो डिग्री आएगी उसके आइट साइड में क्या आएगा, एज आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा गाइस, नाउन टू। सीडी का स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखिए, नाउन फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सीडी और प्लस दे। तो गाइस जो ये यहां पर पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर लग रहा था वो अब क्या लगेगा यहां पर, वो लग जाएगा हमारा सीडी प्लस देन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होते हैं, देखिएगा आप कि एक तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले नाउन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एस पीडी एस नाउन टू। सीडी में चलते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारा
नाउन फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, सीडी है ना, देन और प्लस नाउन टू, है ना गाइस। सीडी के दो स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, मतलब दो तरीके से सीडी के बन सकते हैं। कैसे? सेकेंड वाले में नाउन टू पहले आएगा, सेकेंड वाले में नाउन टू पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसमें नॉट नहीं आएगा, फिर आएगा सीडी प्लस देन और प्लस लास्ट में नाउन। बस सिंपल सा है, जिस तरीके से एक्टिव पैसिव की तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते थे, उसी तरीके से नाउन टू नाउन फर्स्ट की जगह पर आ जाएगी, नाउन फर्स्ट नाउन टू की जगह पर चलेगी। तो गाइस इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें एसटी डिग्री नहीं होती है, ध्यान रखना इसमें एसटी डिग्री नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहां पर सीता इज नॉट एज टॉल एज गीता, ठीक है गाइस। मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि सीता इज नॉट एज टॉल एज गीता, जो सीता है वो गीता से टॉल नहीं है, है ना। अब ये पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से पहचाना आपने? तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव डिग्री में। कैसे पहचाना आपने? इसमें डिग्री के आइट साइड में यदि आपको एस मिल जाएगा तो ये समझ जाना कि ये टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का। इसको चेंज करना है हमें सीडी में। अब सीडी में फर्स्ट से चेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा गाइस? नाउन टू है, नाउन वन, तो नाउन वन कौन है हमारे पास? सीता है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? इज। फिर नॉट यहां पर भी लगेगा, तो गाइस जो यहां पे एस टाल एस था ये हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या जाएगा? सीडी प्लस देन। सीडी मतलब टाल की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, है ना, टी ए डबल एल, इसके अंत में ई नहीं है तो हमें क्या करना है, इसके अंत में ई प्लस कर देना है और आर जोड़ देना है, तो टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? टाल, ठीक है। उसके बाद क्या लग जाएगा इसमें? देन और लास्ट में नाउन टू गीता। सिंपल सा है ना। किस क्या किया हमने? सिर्फ एस टाल एस की जगह पे क्या कर दिया? टालर देन, मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। यदि अपन इसको सेकंड टाइप से बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या नाउन टू आ जाता है, तो गाइस हमें नाउन टू मतलब नाउन टू को क्या करना है? पहले लिखना है, तो नाउन टू कौन है? गीता। तो इसमें क्या आ जाएगा? गीता पहले आएगा, है ना, गीता इज। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब, गाइस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं रहता है। फिर डिग्री क्या जाएगी हमारी? टाल, टाल की डिग्री टाल है। फिर आ जाएगा देन गीता, है ना। इस गीता की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा सीता। अब यहां पे सीता क्यों आएगा? क्योंकि गाइस देखो सीडी के सेकंड में क्या होता है? नाउन टू पहले आती है, इसलिए हमने क्या कर दिया? नाउन टू पहले लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सीडी का क्या लिख दिया यहां पर? टालर कर दिया, ठीक है। फिर यहां देन कंपलसरी लगता ही है कंपैरेटिव डिग्री में, और फिर नाउन जो टू था यहां पे, देखिए गाइस है ना, मतलब यहाँ पे नाउन टू की जगह पे नाउन वन को कर दिया हमने, क्या कर दिया? सीता को यहाँ लिख दिया, सिंपल सी तरीके से। तो जब किसी एक नाउन के बीच में एक दूसरी एक ही नाउन की तुलना होती है तो उसे टाइप वन माना जाता है। जैसे सीता की तुलना हमने किससे करी थी? गीता से करी थी। बस इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं टाइप सेकेंड। बस सेकेंड टाइप में क्या होता है? जब किसी एक नाउन की तुलना किसी ग्रुप नाउन से होती है, जब किसी एक नाउन की तुलना किसी ग्रुप नाउन से होती है, जिसे कि समूह वाचक वर्ड होता है ना, सामूहिक वर्ड होता है ना, जैसे कि क्लास है ना, ऐसा वर्ड है जो समूह में होता है, जो ग्रुप में होता है। तो जब किसी एक नाउन की तुलना किसी ग्रुप नाउन से होती है तो उसे टाइप टू माना जाता है। जब एक नाउन की तुलना किसी ग्रुप नाउन से होती है तो उसे टाइप वन माना जाता है, सॉरी टाइप टू माना जाता है। और जब एक नाउन की तुलना किसी दूसरी एक ही नाउन से होती है तो उसे टाइप वन माना जाता है, ठीक है। अब जो टाइप वन में तो हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज किया था, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया, बट ध्यान रखना गाइस अब जो टाइप सेकेंड है, इस सेकेंड टाइप में आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हो, और सुपरलेटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव डिग्री में, मतलब आपस में तीनों डिग्रियों में किसी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा
हमारा जो स्ट्रक्चर होता है टाइप फर्स्ट में टाइप सेकंड में पीडी का पॉजिटिव डिग्री, पीडी का मीन क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नो अदर ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा इसमें टाइप सेकंड की पहचान में कंपैरेटिव में क्या आएगा नो अदर। तो गाइस आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में यदि नो अदर देखते हो तो वो हमारा क्या रहेगा टाइप सेकंड है। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फ्रेस, पीडीएस। गाइस ये तो मुख्य पहचान होती ही है, आपको खुद को पता है, और ये इसकी मेन पहचान होती है ना, और ये इसकी मेन पहचान होती है। जिनके नीचे मैंने तीनों फॉर्मेट में अंडरलाइन करी है ये इनकी टाइप्स की पहचान होती है ना। तो फिर एस पीडीएस सब्जेक्ट, फिर जीएन, जीएन का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, जीएन मतलब होता है ग्रुप नाउन है ना। फिर सीडी का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सीडी, फिर देन आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एनी अदर। यदि एनी अदर वाक्य सेंटेंस से मिले आपको तो समझ जाना कॉम्परेटिव डिग्री के टाइप सेकंड का है ये। ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा अपना लास्ट में ग्रुप नाउन। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आएगा गाइस, सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर द, फिर एसडी है ना सुपरलेटिव डिग्री, फिर सिंगुलर ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है हमें, सुपरलेटिव डिग्री में जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे है ना, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। फिर आप यहाँ पे जीएन कर सकते हो ग्रुप नाउन, और यदि ग्रुप नाउन सेंटेंस में ना मिले तो हमें क्या करना है सिर्फ ऑफर, और ये ऑफर कब लिखना है सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में ही हमें यहाँ पे ऑफर लगाना है। ठीक है, देखिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस आया आपके पास नो अदर स्टूडेंट, कोई भी दूसरा स्टूडेंट नहीं है, इज एज गुड एज सतीश, किससे अच्छा सतीश से अच्छा इन अवर क्लास। उसका कहने का मतलब ये है कि हमारी क्लास में से है ना जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से सबसे अच्छा कौन है सतीश, मतलब सतीश से अच्छा कोई भी नहीं है। अब इसको चेंज क्या करना है, हमें इसके लेवल को बढ़ाना है, अब हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है इस सेंटेंस को। तो इस सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे तो देखो सबसे पहले कॉम्परेटिव डिग्री में स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे सतीश, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा सतीश आ गया। अब सतीश के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे इज, फिर सी डी डिग्री कौन सी हमारे पास गुड, तो गुड की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है बेटर, ठीक है बेटर हो गया। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा हमारे पास यहाँ पे देन, देन के बाद आ जाएगा हमारा एनी अदर, एनी अदर के बाद ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास स्टूडेंट है ना, ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स है ना स्टूडेंट है, और ग्रुप नाउन क्या है हमारे पास है ना ग्रुप नाउन क्या है हमारे पास, तो ग्रुप नाउन कोई सा है क्या इस सेंटेंस में है इन अवर क्लास, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इन अवर क्लास। तो गाइस इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसमें सतीश इज बेटर देन है ना एनी अदर स्टूडेंट इन अवर क्लास, सतीश है जो हमारी क्लास के सभी छात्र में बेटर। और यदि इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले उसमें भी सतीश ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लग जाएगी, अब जो कॉम्परेटिव डिग्री में बेटर था वहां क्या जाएगा द आ जाएगा है ना, सुपरलेटिव डिग्री क्या जाएगी गुड बेटर बेस्ट है ना, गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेस्ट। ठीक है, बेस्ट के बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा स्टूडेंट के बाद है ना जीएन, तो इन आवर क्लास ये बन गया कि सतीश इज द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास, जो सतीश है वो जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से सबसे अच्छा छात्र है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसे हमने यहां पे लिखा, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर एनी अदर सिटी इन एमपी। ठीक है कि मुंबई सॉरी एमपी इंडिया इन इंडिया इन इंडिया कि मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया है ना, मुंबई है जो
इंडिया की जितनी भी बड़ी सिटी है उन सभी सिटियों में से सबसे बड़ी सिटी कौन है? हमारे पास मुंबई है ना। तो मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है, हम खुद मानते हैं। तो ये जो है हमारा सेंटेंस आया है, आप यहां इसको चेक करोगे तो ये कंप्लीटेड हिंदी का सेंटेंस है। और यदि आपने एनी अदर लिख लिया तो एनी अदर में कोई होगा, एनी अदर टाइप सेकेंड में आता है। आप लोगों को पता है कि एनी अदर इसमें आता है टाइप सेकेंड। अब इसको इसी सेंटेंस को यदि मैं सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करता हूं तो सुपरलेटिव डिग्री में यदि एसडी में चेंज करता हूं तो एसडी में किस प्रकार से चेंज होगा देखिए। सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है जाएगा मुंबई है ना, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आ जाएगा हमारे पास द, और बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बिगेस्ट, ठीक है। फिर सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, सिंपल सा फॉर्मेट बहुत इजी है। और यदि इसी सेंटेंस को मैं है ना इसी सेंटेंस को यदि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करता हूं तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा देखिए। अब यहां पे क्या आता है नो अदर, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे नो अदर, फॉर्मेट बहुत इजी है। हेल्पिंग ऑब्जेक्ट क्या है सिटी, तो यहां आ गया सिटी, नो अदर सिटी इज है ना। फिर क्या आ जाएगा एज, फिर आ जाएगा हमारे पास डिग्री कौन सी है बिग एज, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे मुंबई, यहाँ मुंबई जाएगा ठीक है, यहाँ गया मुंबई। और ग्रुप नाउन इन इंडिया, सिंपल सा फॉर्मेट बस इस तरीके से बना सकते हैं आप। चलिए गाइस बात करते हैं टाइप थर्ड की। अब टाइप थर्ड में क्या होता है, टाइप फर्स्ट में हमने एक नाउन की तुलना किसी दूसरी एक ही नाउन से की, टाइप सेकंड में एक नाउन की तुलना हमने किसी समूह से की, लेकिन अब जो बारी आती है तो किसी एक नाउन की तुलना यदि हम जी एन है ना की जगह पर जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू का मतलब समझते हो आप, जी डब्ल्यू का मतलब होता है ग्रुप वर्ड। जब किसी एक नाउन की तुलना किसी ग्रुप वर्ड से की जाती है तो उसे भी क्या माना जाता है टाइप थ्री माना जाता है। जब किसी एक नाउन की तुलना किसी ग्रुप वर्ड से की जाती है किसी छोटे समूह से की जाती है तो उसे क्या माना जाता है, उसे टाइप थर्ड माना जाता है। और यहां निम्न तीनों डिग्रियों में चेंजेसनेस होते रहते हैं इसमें भी, जैसे कि माना कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस इसका। पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा पहले फ्यू, वेरी फ्यू या ए फ्यू। गाइस पॉजिटिव डिग्री में फ्यू, वेरी फ्यू है ना या ए फ्यू, ये तीनों यदि आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाना ये टाइप थ्री है। और टाइप थ्री की कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव आप गाइस आप क्या लगाए इसमें से, तो जो सेंटेंस आएगा और सेंटेंस के सेंस को समझकर आपको फ्यू, वेरी फ्यू या ए फ्यू को डिजाइन करना है ना या लगाना है। क्या लगाओगे, या तो फ्यू लगाओगे या वेरी फ्यू या फिर ए फ्यू है ना। गाइस फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, और फ्यू वेरी फ्यू या ए फ्यू मतलब दो चार पांच दस है ना, दो से चार के बीच में फ्यू का यूज होता है। ये चीजें कुछ के लिए काउंटेबल नाउन के लिए यूज होती है। तीनों में से किसी फॉर्मेट में से किसी भी एक को लगा सकते हो आप है ना पॉजिटिव डिग्री। फिर आएगा प्लूरल ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एज, पीडी एज, फिर सब्जेक्ट, और फिर आएगा जी डब्ल्यू का मीन क्या बताया अभी मैंने आपको, ग्रुप वर्ड ठीक है। ग्रुप वर्ड कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। अच्छा गाइस ग्रुप वर्ड ना भी हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में यदि ग्रुप वर्ड नहीं होता है तो हम उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, ऑफ ऑल लगाते हैं ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में गाइस पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सीडी, देन मोस्ट अदर आएगा यहाँ पर है ना। यहाँ पर टाइप टू में एनी अदर आ रहा था, लेकिन टाइप थर्ड में क्या आएगा, यहाँ पर मोस्ट अदर आएगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट और ग्रुप वर्ड। सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और इसमें आ जाएगा वन ऑफ द, क्या आएगा इसमें वन ऑफ द है ना, सुपरलेटिव डिग्री, फिर एस ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो गाइस सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट को क्या लगाना है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट ही लिखना है, फिर या तो ग्रुप वर्ड या फिर ऑफ ऑल। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि फ्यू लीडर्स है ना, कुछ नेता आर एज ग्रेट एज एम के गांधी इन इंडिया, मतलब कुछ ही नेता ऐसे हैं जो एम के गांधी से इंडिया में महान है
है ना, क्या है, महान है, ग्रेट है। कुछ ही नेता ऐसे हैं जो कि महात्मा गांधी से महान है इंडिया में। तो गाइस ये कौन सी डिग्री में होगा, है ना, यदि हम सर्च करते हैं या सोचते हैं तो ये कौन सी डिग्री में, जहां पर आपको क्या दिखाई दे, फ्यू दिखाई दे, तो गाइस समझ जाना वो टाइप थ्री के पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और यहाँ पे आपने देखा एज ग्रेट एज, तो भी आप समझ गए। तो गाइस इसको चेंज करना है, चेंज इसको किसमें कर सकते हैं, सीडी डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब इसे हम सीडी में चेंज कर सकते हैं, तो सीडी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारे पास है क्या इसमें, तो गाइस ये तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कहाँ आता है, यहाँ आता है डिग्री के बाद, तो कौन होगा सब्जेक्ट हमारा, एम के गांधी। तो फर्स्टली हमें क्या लिखना है, एम के गांधी, ये एम के गांधी लिख दिया। एम के गांधी लिखने के बाद क्या लिखेंगे गाइस, देखिए यहाँ कंपैरेटिव में सीडी डिग्री हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज आ जाएगा। डिग्री क्या आएगी यहाँ पे, ग्रेट की डिग्री क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पे, ग्रेटर, है ना, क्या बन गई, ग्रेट की ग्रेटर। फिर ग्रेटर के बाद आ जाएगा यहाँ पे देयर, और देयर के बाद क्या आएगा यहाँ पे, मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर के बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट। अब गाइस प्लूरल ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, लीडर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लीडर्स इन इंडिया, ये बन गया, ठीक है, कि मतलब एम के गांधी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया। जो एम के गांधी है वो बहुत महान नेता है जितने भी इंडिया के सभी नेता से, है ना, जितने भी लीडर्स हैं उनमें सभी में क्या है, ये एक महान नेता है, ठीक है गाइस। अब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में किस टाइप से हम चेंज करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। और गाइस यदि आपको सेंटेंस समझ नहीं आता या एक ही सेंटेंस में आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, है ना, मैं फिर अगले वीडियो में उसके और ज्यादा एग्जांपल में आपको देकर बताऊंगा, और उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी। यदि आपको कहीं ना कहीं डाउट रहता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर पर्सनल टोल पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो। यदि आप कमेंट करते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको प्रॉब्लम को अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट आ, सब्जेक्ट हमारे पास है एम के गांधी, तो गाइस यहाँ पे आ गया एम के गांधी। एम के गांधी के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जाएगी, इज। फिर क्या लिख रहा है मैं यहाँ पे, वन ऑफ द, ये वन ऑफ द आ गया सुपरलेटिव डिग्री। अब ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों को पता है, सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, है ना, क्या लग गया यहाँ पे, ईएसटी लग गया, तो ग्रेटेस्ट। फिर सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास लीडर, है ना, लीडर और इन इंडिया। ग्रुप नाउन, ग्रुप वर्ड हमारे पास है, तो एम के गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, है ना, इन इंडिया, कि जो एम के गांधी है इंडिया के जितने भी नेता है उनमें सबसे अच्छे हैं, तो बेस्ट हो गए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में एक ही बात हो रही है कि बेस्ट, जहां पर बेस्ट आ जाता है ना, वन ऑफ द आ जाता है, द आ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है वहां पे, वो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है ना, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लग जाती है। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है एक सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में करके बताता हूं, जैसे कि रोज इज वन ऑफ द, है ना, रेडेस्ट फ्लावर, है ना, ऑफ ऑल, यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको यदि अपने को पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट पहले रोजी आएगा, ठीक है, फिर इज हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा यहां पर, है ना, फिर आएगा सीडी डिग्री, क्या है, रेड का, रेडर बन जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे देन, देन के बाद आएगा मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। फिर आपका यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो फ्लोवर, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोवर्स, है ना, ये बन गया सिंपल सा। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा ग्रुप वर्ड नहीं है तो लिखने की जरूरत हमें नहीं है। गाइस यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना,
है ना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। हम एक नए इंटरेस्ट के साथ फिर से वापस जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे ग्रामेटिकल में से रहेगा, जिसको हम एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, है ना।